तो चलिए राजधानी भोपाल का रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस ने जबलपुर में बड़ा झटका, भाजपा में शामिल होंगे जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू, करेंगे भाजपा ज्वाइन। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जगत बहादुर अन्नू भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता लेंगे यहां पर। कांग्रेस को जबलपुर में बड़ा झटका, एक बार फिर आपको बता दें लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में लगातार यहां पर दल बदल का दौर जारी है। तो जबलपुर से बड़ी खबर, जगत बहादुर अन्नू यहां पर भाजपा की सदस्यता लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वो यहां पर भाजपा में शामिल होंगे। कांग्रेस को जबलपुर में एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, भाजपा में शामिल होंगे जबलपुर के महापौर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जगत बहादुर अन्नू भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वो सदस्यता लेंगे भाजपा की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, जबलपुर के महापौर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, इस बात को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी खबर है और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और महाकौशल खासतौर पे जो माना जाता है कि कांग्रेस के लिए बेहतर रहा है, पूर्व में कमलनाथ का गढ़ रहा है, और जगत बहादुर अन्नू जो वर्तमान में जबलपुर में महापौर हैं, कांग्रेस के सिंबल पे जीते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जगत बहादुर अन्नू कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं, और एक एक करके हम देख रहे हैं कि कमलनाथ के समर्थक कांग्रेस छोड़ते नजर आ रहे हैं। डिंडोरी के कई बड़े पदाधिकारी भी आज शामिल होंगे, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि बहुत बड़े झटके के रूप में देखा जा सकता है संस्कारधानी मध्य प्रदेश की, वहां के महापौर जो हैं वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कांग्रेस का अगर सबसे बड़ा पिलर कोई वहां पर बचा था उस पूरे क्षेत्र में और खासतौर पर उस महानगर में, तो वो जगत बहादुर अन्नू ही थे, क्योंकि तमाम बड़े नेता कांग्रेस के वहां से चुनाव हार गए थे, चाहे तरुण भनोत की बात करें या संजय यादव की बात करें। और उसके बाद में जिस तरह से ये झटका लगा है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है लोकसभा क्षेत्र में, और जबलपुर लोकसभा के लिए बहुत बड़ी वो हो सकती है। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि किसी एक बड़े आश्वासन के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़ा है, तो अब निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर में यहाँ ज्वाइनिंग होगी भाजपा कार्यालय में, लगभग तैयारियां हैं। हम आपको बता दें यहाँ पर मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे, और उनके साथ में राकेश सिंह जो जबलपुर से ही विधायक है, और साथ में अगर हम बात करें जबलपुर पश्चिम से विधायक होने के साथ मध्यप्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, ये तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इन तीनों ही नेताओं की मौजूदगी में जबलपुर महापौर की थोड़ी देर में जो है भाजपा में ज्वाइनिंग होने वाली है। जी अनुराग, आपसे ये भी चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कमलनाथ के खेमे के जितने भी नेता हैं वो लगातार भाजपा ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं, ये कमलनाथ से या पार्टी से नाराज चल रहे हैं, या हो सकता है कि कमलनाथ कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? देखिए, कुछ भी कहा जा सकता है, बिल्कुल दोनों संभावनाएं हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, और उनके टारगेट्स वो बड़े क्षेत्र हैं जहां पर अभी कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ी जीतों की दरकार है, उसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। जैसे जैसे कमलनाथ के समर्थक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक अंदेशा तो होता है। हालांकि इसको कयास के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन कमलनाथ कुछ दिन पहले ये भी कह सकते हैं किसी को भी किसी भी पार्टी में जाने का अधिकार है और कुछ भी कहने का अधिकार है। ये बात उन्होंने प्रमोद कृष्णन के संदर्भ में कही थी, जिन्होंने अपनी पार्टी यानी कांग्रेस की आलोचना की थी। तब से ही कयास लगाया जा रहे थे कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि अब उनके समर्थक और इतने बड़े समर्थक अगर पार्टी छोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से संभावनाएं किसी भी तरह की व्यक्त की जा सकती है, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। जी 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 बिल्कुल अनुराग, आप अपनी नजर बनाए रखिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको एक बार फिर से बता दें, जगत बहादुर अन्नू यहाँ पर भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आपको बता दें मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यहाँ पर वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। जगत बहादुर अन्नू यहाँ पर भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वो यहाँ पर भाजपा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यहां पर शामिल होंगे जगत बहादुर अन्नू। एक बार फिर से आपको बता दें, कांग्रेस को बड़ा झटका जबलपुर में लगा है, भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं जगत बहादुर अन्नू। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वो यहां पर शामिल होंगे।